तो फ्रेंड, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपने देखा होगा कि अभी अभी यूट्यूब का जो है पूरा जो अपडेटिंग का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, जो उसकी अपडेटिंग है, कुछ नए फीचर जो आपकी यूट्यूब है, यूट्यूब में नए फीचर कुछ ऐड हो गए हैं, तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधाचरण, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नया अपडेट लाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके सबसे पहले। तो फ्रेंड, मैं जो है अपना मोबाइल यहाँ पे एक लेके दिखा देता हूँ, उस में जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपको सारी प्रोसेस में समझा दूंगा इसमें क्या अपडेट हुआ है और किस तरीके से ये वर्क करेगा। आपके जैसा कि अभी आपको पता ही है, कुछ दिनों पहले जो YT स्टूडियो उसका एक अपडेट आया था, तो उसमें जो सारे फीचर थे वो सारे फीचर नए नए फीचर ऐड हो गए थे, उसका जो सारा इंटरफेस था वो सारा इंटरफेस उसमें चेंज हो गया था। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मैंने अपना जो मोबाइल है इधर से अपना मोबाइल खोल लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ से इस पे जो स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा इसका है वो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं इधर से इसको ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको जो सारी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे, और मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो अपना स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने इधर से कर लिया है प्ले, तो आपको साइड में वीडियो पर दिख रहा होगा यहाँ से जो मैंने उसको ऑन कर लिया है। तो अब जैसे ही आप इसको खोल लेते हैं, तो आप जैसे ही YouTube पर जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ YouTube से रिलेटेड, तो आप जैसे ही YouTube पर आप जाएंगे, तो इधर से एक्चुअली मेरे कुछ शॉर्ट वगैरह यहाँ पे प्ले हो रहे थे, तो आप जैसे ही यहाँ पे YouTube पर चले जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस देख पाएंगे। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप देख पाएंगे। तो मैं यहाँ से एक चैनल जो है वो यहाँ से एक किसी का भी चैनल जो है प्ले कर लेता हूँ, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे जो ये वाला वीडियो आपको दिख रहा है हिंद का नारा, तो ये वाला जिस पे मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से प्ले कर लूँगा। तो मैं जैसे ही इसको प्ले करूँगा तो आपको पता है, एक्चुअली मैं इसकी जो ऑडियो है वो ऑडियो मैंने इसको म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको म्यूट नहीं करूँगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो जैसे ही इसको एक्चुअली ये लाइव चैट चल रहा है, तो मैं अभी यहाँ से कोई दूसरा वाला वीडियो जो है उसको प्ले कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे, मैंने यहाँ से ये वाला प्ले कर लिया है, तो अभी जो इसके ऊपर जो वीडियो मैंने प्ले किया है इसके ऊपर एक थंबनेल लगा हुआ था, तो अभी आप पहले इसको सेकिंग करते थे, मतलब आप उसको स्किप करते थे वीडियो को, तो उसका वीडियो का जो करंट की जो उसकी रेडियो थी वो आपको साइड में स्लाइड होती हुई दिखाई देती थी। अब अगर आप इसको जो है स्किप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इसका जो थंबनेल है जहाँ भी आप स्लाइड करेंगे तो ये पूरे वीडियो में, अगर आप इस तरफ से स्लाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ जाएगा, अब ये बीच में आपको यहाँ प्ले होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, और हम बात करें यहाँ इसको सब्सक्राइब करने की, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर का बटन है वो यहाँ पे पूरे तरीके से हाइड कर दिया गया है। और अगर किसी को कोई भी चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे केवल आप देख पा रहे होंगे ये बेल आइकन का ये मोनो जो है दिखाई दे रहा है, तो आप जैसे ही इस पर जैसे ही आप इस पर बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन में आप ऑल करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पर्सनलाइज करने के लिए बीच वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और एक जो है नन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप नन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है किसी भी वीडियो का वो आपको नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बाद ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देता है अनसब्सक्राइब का, अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझ लीजिए अनसब्सक्राइब आपका इधर से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और हम बात यहाँ पे करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सारा जो इंटरफेस है इसका YouTube का, तो सारा इंटरफेस इस पर आपका चेंज हो गया है। अगर आप लोगों की भी YouTube में कुछ ऐसा नहीं आया है तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाके, या मोबाइल का अगर आपका मोबाइल का जो है तो उसका एक ओप्पो का मोबाइल है, या रियलमी का है, रेडमी का, तो किसी मोबाइल में खुद का जो है एक स्टोर होता है, इसके अलावा प्ले स्टोर भी वहाँ पर होता है एप्लीकेशन के लिए, तो आप वहाँ पर भी जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको कुछ इस नए तरीके की ये जो यूट्यूब का है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात इसी टॉपिक से रिलेटेड करने वाले थे, और बाकी हम ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो जो आपके पहले थे वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे,
उसके बाद जैसे हम शॉर्ट्स पे क्लिक कर दें तो जो शॉर्ट वीडियो डले हैं वो आपके यहाँ से प्ले हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ एक जैसा ही है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और लाइब्रेरी का बात करें तो बाकी जो सारा इसका जो ऑप्शन वगैरह है तो बाकी वो सारा यहाँ पे आपको उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। केवल इसमें जो चेंज हुआ है वो किसी भी आप वीडियो को प्ले करेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन जो है इसमें बदल दिए गए हैं। तो आप चाहे तो इसको जैसे ही आपकी YouTube आप अपडेट कर लें तो कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है आपके YouTube में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।